हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आपने देखा मैंने बैग और ये सब कुछ डाला हुआ है, टोपी वगैरह। तो अभी मैं चला हूँ केदारनाथ की साइड और एकदम प्लान बना मेरा, अभी आपको अभी बता रहा हूँ। अभी बस निकलने लग पड़ा, सारी पैकिंग बुकिंग कर ली है। कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पैकिंग करनी थी और लेट हो जाना था, नहीं तो कुछ चीज़ रह जानी थी तो नहीं मैं ब्लॉग बनाया। तो अभी बस दोस्त आने वाले हैं गाड़ी लेके, हम पठानकोट तक गाड़ी में जाएंगे और अब हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं दोस्तों के साथ। तो अभी चल पड़ता हूँ मैं जल्दी क्योंकि आगे लेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब दोस्त आ चुके हैं, ये हमारा ड्राइवर साहब जी और ये मैं और ये पीछे दो लड़के। तो अभी हम चल पड़े हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, 8 बजे ट्रेन है, थोड़ी देर में पठानकोट पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल स्टेशन में पहुँच चुके हैं और गाड़ी पीछे लगा दी है वहाँ पर स्टेशन में ही, और अभी गाड़ी बस आने वाली है। 8 बज चुके हैं, बस थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, बस चढ़ जाएंगे फिर गाड़ी पर। ये देखिए, ये हमारे यात्री बैठे हुए हैं इधर। भाई फ्रेंड्स, अभी 9:18 हो चुके हैं और ट्रेन अभी आने लगी है, आधा घंटा एक घंटा लेट होगी ट्रेन। अभी आती है ट्रेन, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, है ना। जाके देखते हैं नींद आती नहीं आती है, अभी ट्रेन को आने देते हैं पहले। आखिरकार भगवान ने ट्रेन भेजी थी हमारे लिए, बोले चले जाओ आप जल्दी जाओ। ये देखो आ गई हमारी ट्रेन और अब ट्रेन में अंदर जाके बैठेंगे और या तो सीधा ऋषिकेश में मिलेंगे या तो कुछ और करते हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम खाना खाने लग पड़े हैं। खाने में है ये करेला और ये परौंठे हैं और साथ में अचार है। तो अभी इसको खा लेते हैं जल्दी और फिर ऊपर सोने के लिए जाते हैं और फिर वीडियो भी एडिट कर देनी है अभी, जो भी जितनी वीडियो बनी होगी और फिर बाकी की बात में होगी। तो अभी खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने खाना खा लिया और अभी जो वीडियो बनाई है तो उनको अभी एडिट कर लेता हूँ और उसके बाद डिलीट कर दूंगा, नहीं तो स्टोरेज ज़्यादा फुल हो जाएगी तो एडिट कर लूँगा और ना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। तो हम सीधा आपसे अब सुबह मिलेंगे जब ऋषिकेश में पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये देख सकते हैं ऋषिकेश, और अब आगे जाके कोई टैक्सी वगैरह लेंगे और उससे पहले कुछ खाएंगे। तो अभी जल्दी चल पड़ते हैं और रात को पहले वाली वीडियो भी एडिट कर ली थी मैंने, वो एडिट करके रख ली है और अब जल्दी चल पड़ते हैं और देखते हैं कुछ खाने के लिए। ये देखिए ऋषिकेश अपना, आवाज़ नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं, पीछे ऑटो से आए और अब आगे टैक्सी का पता करने लगे हैं। और भी बहुत बंदे मिल रहे हैं शेयरिंग टैक्सी के लिए, पर पहले और पता कर लेते हैं कि इससे अगर ठीक रेट में मिल जाए तो उसमें चल पड़ेंगे। ये देखो ऋषिकेश का थोड़ा सा व्यू, ठीक है तब तक वेट करते हैं भाई। यहाँ से आप बस में भी जा सकते हो और टैक्सी करके भी और शेयरिंग में भी जा सकते हो। तो अभी तो हम फिलहाल पता कर रहे हैं और कुछ पता चलता तो ठीक है, उससे पहले फिर कुछ खाएंगे। भूख बहुत जोर से लगी है, अभी तो बहुत तेज भूख लगी है इधर, गर्मी भी ठीक है अभी तक सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे खाना खाने पहुँच चुके हैं, परौंठे खाएंगे और साथ में चाय और एक महीने दही खाएंगे साथ में और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। टैक्सी का अभी कर लिया पता, फिर अब खाना खाते हैं जल्दी और फिर निकलते हैं। ये देखिए हमारे गाइस बैठे हुए हैं, फिलहाल खाते हैं कुछ और फिर निकलते हैं जल्दी। तो फ्रेंड्स, अभी हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं और अब बस टैक्सी आने का वेट करना है। जब टैक्सी आ जाती है तब निकलते हैं और फिलहाल पेट बिल्कुल फुल हो चुका है और देखते हैं टैक्सी कब तक आती है। तो जो हमने पहली गाड़ी की थी वो तो आई नहीं, तो अभी दूसरी एक और गाड़ी की है, उसमें 5,000 रुपये बता दिए। तो अगर वो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा उसका नंबर बीच में, तो आप अगर आप कभी आओगे तो उस गाड़ी में जा सकते हो। तो फिलहाल गाड़ी का आने का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इधर हमारी अब गाड़ी आ चुकी है और अब हम चल पड़े हैं। ड्राइवर ये हैं हमारे ड्राइवर जी, संजय नाम है इनका। तो अभी चल पड़े हैं अभी आगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी ने, अगर कोई यहाँ पे आएगा तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नंबर, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे।
फ्रेंड्स अभी हम फिलहाल देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं और नीचे जाके आपको दिखाते हैं नदी कैसी नदी है, दोनों इकट्ठी मिलके जो गंगा नदी बनती है तो वो आपको नीचे जाके दिखाते हैं। यहाँ से पैड़ियाँ उतरेंगे तो यहाँ से रास्ता आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये गया देवप्रयाग का नीचे का रास्ता, ये देखिए ये पीछे से पानी का कलर कुछ और है और आगे जाके कलर चेंज हो जाता है दोनों मिक्स होके। तो फ्रेंड्स अभी नीचे जाने से पहले ये नींबू पानी पी लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने नींबू पानी पी लिया है और आ गए यहाँ पे पुल पे चले हुए हैं और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे देवप्रयाग और अलकनंदा का मिलाप होके फिर ये गंगा नदी बनती है। अभी आपको आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, यहाँ पे देवप्रयाग और अलकनंदा ये दोनों जब मिल जाती हैं आपस में तो गंगा नदी वहाँ पे आगे जाके बन जाती है। ये देखिए ये हम पुल पे चले हुए हैं, देखिए कैसा व्यू आ रहा है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये है दो नदियाँ जो आपस में मिलके गंगा नदी बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जब आपस में मिल जाती है तब ये गंगा नदी रूप ले लेती है। ये देखिए और जब भी आपने अगर केदारनाथ जाना हो तो यहाँ से मतलब या फिर भी हरिद्वार में या फिर यहाँ से पानी नहा के जाना चाहिए। तो अभी हम नीचे चल पड़े हैं पानी के पास, वहाँ पे जाके थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद फोटो भी खिंचवा लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे जो छीटे छटे मारने थे मार दिए, अब उसके बाद ऊपर चल पड़े क्योंकि ड्राइवर जो बोल रहा है वो लेट हो गया नहीं तो अभी सीधा ऊपर चल पड़ते हैं वरना आगे पहुँचने के लिए लेट हो जाएंगे क्योंकि आगे फिर जब रात हो जाती है तो जाने नहीं देते हैं, तो अभी जल्दी जाके ऊपर पहुँचते हैं तो फिर आगे कहीं जाके मिलेंगे आपसे। तो अभी यार इधर हम खाना खाने पहुँच चुके हैं और जब खाना आता है तो तब आपको बताते हैं क्या खाने में खा रहे हैं। अभी ये प्याज ही आया सिर्फ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी क्योंकि ज़्यादा फ़ोन को दूर नहीं रख सकते क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी ज़्यादा, इधर चैपड़ा बड़ी है। और इधर हमारा ये खाना आ चुका है, वेज पुलाव है, ये दाल मखनी है और रोटी है और ये सलाद है और ये हमारे यात्री हैं, ये खाना खा रहे हैं और अब हम खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी खाना खा के फ्री हो चुके हैं और अब लस्सी पीने लगे हैं, आ जाओ लस्सी पी लो जिसमें पीनी है। तो और खाने में मिर्च बहुत तीन भाई के लिए और हमारे लिए तो नॉर्मल ही था, अभी लस्सी पी लेते हैं और फिर जल्दी निकलते हैं। तो अभी फिलहाल वापस से चलने लग पड़े हैं और अभी सीधा आगे और किसी मंदिर में मिलते हैं अभी। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे धारी देवी मंदिर में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे आगे को। ये रहा आपका धारी देवी मंदिर, वहाँ पे पानी के बीच में है ये अभी इधर अंदर जाना है इधर। तो फ्रेंड्स ये वाला जो मंदिर है क्या नाम था मंदिर का, एक फोटो दिख के नहीं सेक्स ली हो। हाँ बढ़िया था ए तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फ्रेंड्स ये जो धारी देवी मंदिर है इधर 2013 में प्रलय इसलिए आई थी क्योंकि इसको यहाँ से और कहीं शिफ्ट करने की लोगों ने कोशिश की थी तो उसके कारण इधर प्रलय आई थी क्योंकि ये पानी के बीच में मंदिर ना, तो क्यों भगवान की मर्जी से तो कोई चीज़ नहीं हिल सकती है। तो अभी ये मंदिर इधर ही है अभी फिलहाल, तभी आई थी प्रलय 2013 में। तो अभी हम बस फिलहाल चल पड़ते हैं गाड़ी में और फिर निकल पड़ते हैं जल्दी यहाँ से, फिर देखते हैं केदारनाथ कितने बजे पहुँचते। वैसे तो ये रह गया कोई 90 किलोमीटर रह गया यहाँ से, 90 किलोमीटर है, जल्दी पहुँचते हैं गाड़ी के पास। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे सोनप्रयाग में पहुँच चुके हैं और खाना खा लिया है और अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रूम ले लिया है एक जिसमें मतलब और भी बंदे सोएंगे तो वहाँ पर 100 रुपये का एक ले लिया क्योंकि सुबह यात्रा स्टार्ट करनी है, ट्रैकिंग करनी है सुबह, तो ज़्यादा महंगा रूम नहीं लिया वो ले लिया। अभी देखते हैं अगर रात को अगर थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अगर एडिटिंग करने का मूड किया तो करूँगा नहीं तो सो जाऊँगा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग सभी, अभी सुबह के
7 बजने वाले हैं और अभी पहले फ्रेश होएंगे और उसके बाद अभी यात्रा ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। और बाहर अभी बारिश लगी हुई है तो ज़्यादा अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं, तो जहाँ कहीं पे रुकेंगे तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। हैं, बारिश लगी है पूरी रात, तो अब पहले फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बाद में तो यहाँ पे लाइन लगने लग पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बारिश लगी हुई है, और ऊपर केदारनाथ में बारिश नहीं है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे बहुत बारिश है अभी। ये देखिए बारिश ही बारिश है। अभी फ़ोन को मैं अंदर रख लेता हूँ, नहीं तो फ़ोन में हो जाएगी बारिश। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे गौरीकुंड में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पहले नहाएंगे और फिर उसके बाद जो कुछ सामान एक्स्ट्रा है तो वो लॉकर रूम में दे देंगे, तो आपको बताऊँगा कहाँ पे देते हैं लॉकर रूम पे। तो अभी तो फ़िलहाल नहाने के लिए पहुँच जाते हैं जल्दी। तो अभी हम फ़िलहाल नहा के आ चुके हैं गौरीकुंड में, अब यहाँ पे माथा टेकने चले हैं गौरीकुंड में यहाँ पे मंदिर में, और उसके बाद सामान रखवाएंगे लॉकर में जहाँ पे 50 रुपये या 100 रुपये लेते हैं। सॉरी, ठीक है, अभी पहले माथा टेक लेते हैं और उसके बाद अपना ये सामान रखवाते हैं। तो ये रहा हमारा गौरीकुंड मंदिर, अगर किसी ने दर्शन करने के लिए ऊपर पहले जाना तो यहाँ पे पहले कुंड में पहले जाके नहाएं और फिर यहाँ पे दर्शन करें और फिर ऊपर यात्रा स्टार्ट करें, ऐसे नहीं तो यात्रा पूरी नहीं होती है, पहले यहाँ पे जाना पड़ता है गौरीकुंड में। तो फ्रेंड्स अभी हमने इधर लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवा दिया, अगर किसी ने यहाँ पे करवाना हो तो लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो भी है यहाँ पे जमा करा दिया, 50 रुपये लेते हैं पर जितना भी आपका सामान होगा, वो भी 24 घंटों के हिसाब से। तो अभी हम चल पड़े हैं यहाँ से, हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, अभी टाइम आपका हुआ है 10 बजने को रह गए, ये कोई 20 मिनट रह गए 10 बजने को। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस टाइम, ये देखिए। तो यहाँ से केदारनाथ आपका 15 किलोमीटर, 15 या 16 किलोमीटर बताया है, पर आप कम से कम 19 या 20 किलोमीटर मान के चलो। और यहाँ पे कोई भी जब भी चलता है तो थोड़े से ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि घोड़े वाले भी बहुत स्पीड से आते हैं, तो उनसे भी बच के चलना पड़ता है थोड़ा सा, तो घोड़ों से ज़रूर बचे, नहीं तो कभी भी नीचे गिर सकते हो आप। तो अभी इधर हम भैरव मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और इधर चाय पीने लगे हैं, और कम से कम ये कोई कितने किलोमीटर हो गया, 2.5 किलोमीटर हो गया है और 3 किलोमीटर हो गया है अभी, और बाकी अभी ये कोई 12-13 किलोमीटर रख के चलो, जैसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी चाय पियेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे ऊपर को, पहले चाय पी लेते हैं। तो अभी चाय पी ली है क्योंकि बस निकलने लपड़े हैं, अभी जाके कम से कम 2 या 3 किलोमीटर करने हैं कवर और उसके बाद ब्रेक लेंगे, तो अभी चल पड़ते हैं जल्दी और ऊपर जल्दी पहुँचना भी है। तो गाइस ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से घोड़े जाते हैं ज़्यादातर, तो कभी भी इस रास्ते से जाने की कोशिश मत करना, ये देखिए इस रास्ते से कभी मत जाना, ये तो बहुत परेशान हो जाओगे, ज़्यादातर इस रास्ते से घोड़े वाले जाते हैं। और जिससे हम जाते हैं, मतलब जो पैदल यात्रा होती है तो वो अगले पुल वाले से होती है, वहाँ से वैसे घोड़े जाते हैं, पर इतने ज़्यादातर यहाँ से जाते हैं इस रास्ते से, ये वाला। तो अभी हम फिलहाल पुल के पास पहुंचने वाले हैं। तो अभी हमने इधर अपना आधा रास्ता यहाँ पे पुल के पास कंप्लीट कर लिया, ये देखो पुल, और जो अभी अगला रास्ता शुरू होगा उसमें ज़्यादातर आपकी चढ़ाई है सिर्फ, उसमें तो चढ़ाई उसमें ज़्यादा इतनी वो नहीं है, उसमें थोड़ा सा रेस्ट करके चढ़ना, ज़्यादा जल्दी मत चढ़ना, उसमें छोटे छोटे स्टेप रखने पड़ेंगे उसमें, अगर किसी का स्टेमिना कम है, क्योंकि अभी ज़्यादातर चढ़ाई है अभी। तो अब ये वाला रास्ता कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे बंदों को, दूसरे जो दोस्त गए हैं आगे उनको पकड़ते हैं जल्दी जाके। तो अभी मैं चढ़ाई चढ़ लेता हूँ, देख सकते हैं। तो अभी हम इधर चढ़ाई में, जो आधा रास्ता जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे अभी ब्रेक ली है और एक मैगी खाएंगे और फिर आगे का रास्ता करेंगे तय। तो अभी जल्दी मैगी खा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे को।
तो अभी फिलहाल हमने मैगी खा ली है और चल पड़े हैं ऊपर को। और पहले हम कम से कम 2-2.5 किलोमीटर कर रहे थे कंप्लीट एक बार में, और अब करने की कोशिश है 1.5 किलोमीटर तो करना है ना, और 2 किलोमीटर करने की पूरी कोशिश करनी है। हो सके तो 2 किलोमीटर कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर तो करना है। अभी चल पड़ते क्योंकि आगे सिर्फ ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो जल्दी चल पड़ते हैं। मैगी खा ली है, चलते हैं आगे। तो गाइस ये देखो कैसा भी मौसम हो गया है यहाँ पे, देखो बादल ही बादल ऊपर आ रहे हैं। ये देखो अब ये बादल यहाँ पे पूरे ऊपर आ जाएंगे और होने को 2 मिनट में पूरा साफ हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे पीछे पूरा साफ है अभी, और कुछ ही सेकंड में यहाँ पे पूरा धुंध धुंध हो जाएगी। ये देखो कहाँ तक पहुँच गई धुंध, अब पीछे का भी नहीं आपको मिल रहा होगा इतना। बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा होगा शायद। तो अभी चढ़ाई चल लेते हैं और फोटो खींच लेते हैं कुछ। तो अभी फिलहाल बस 1 या 2 किलोमीटर रह गया है और उसके बाद सीधा ऊपर केदारनाथ में पहुंच जाएंगे। ये वाला रास्ता आप देख रहे होंगे, ये वाला पहले पुराना रास्ता था, जब यहाँ पे पानी आया था उससे पहले यहाँ से जाते थे, तो फिर ये रास्ता टूट गया तो अब ये रास्ता नया बन गया है, तो इस रास्ते से जाते हैं। अब ये लास्ट चढ़ाई है बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं कब। बस अभी लगेगा कम से कम 1 या 1.5 घंटे में केदारनाथ मंदिर में पहुंच जाएंगे। और उधर पक्का बोल नहीं सकता कि वीडियो बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे, आरती की भी थोड़ी सी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो अभी पहले चढ़ाई चढ़ लेता हूं मैं जल्दी। अभी हम फिलहाल केदारनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं और आपको अभी बस थोड़ी देर में केदारनाथ का मंदिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे अंदर ये टेंट लिया है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी मिला है और साथ में बाथरूम भी है नहाने के लिए और बाहर जाने के फ्रेश होने के लिए दूसरा बाथरूम भी है, दोनों चीज़ें मिल गई हैं 400 रुपये में, और नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलेगा। हाँ जी फैसिलिटी ठीक है। तो अभी इधर हम थोड़ी देर लेटेंगे और फिर आरती होगी, आरती भी आपको दिखाएंगे। तो फिर अभी थोड़े से लेट लेते हैं और फिर आरती देखने जाऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टेंट जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए हमारा टेंट है इधर। और अभी हम यहाँ पे आरती लग पड़ी है, तो आरती सुनने के लिए चले हैं और आपको भी थोड़ी सी आरती दिखा देंगे और घर वालों को भी आरती दिखानी है। तो अभी उधर चल पड़ते हैं जल्दी और आरती देखते हैं जाके, फिर सुन लेते हैं। सॉरी आइयो जल्दी आ जाओ, वो ये थोड़ी देर तक 10 मिनट हो। फ्रेंड्स मैं वहाँ पे आरती सुन के आ गया और अभी खाना खाने लग पड़े हैं। खाने में ये रोटी है और दाल मखनी है, बस यही है, बस ये भी खाएंगे जल्दी जल्दी। और फिर नीचे भी जाना है यहाँ पे, पास स्कैन करेंगे और बताएंगे कल कितने बजे क्या दर्शन होंगे, क्या हिसाब किताब है। अभी पहले मैं खाना खा लेता हूँ और फिर उधर भी जाना है। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से खाना खा के आ गया था और पता करने गए थे, जो उन्होंने बुलाया था कि 8 बजे आ जाना और आपको पता नहीं क्या कुछ बयान मिल जाए कल दर्शन करने के लिए। हमने पहले से स्कैन करवा लिया था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे बेफालतू बुलाया। तो अब कल सुबह दर्शन करने जाएंगे, तो तब दर्शन करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे और देखो बद्रीनाथ जाते हैं नहीं जाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग सभी। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अभी मैं नहा बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर में दर्शन करने जाएंगे। अभी बाहर का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से टेंट से व्यू दिखाता हूँ, कैसे पहाड़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ये देखिए।
तो आपको दिखाया जाए कैसा व्यू लगा बताना मुझे। तो अभी जल्दी मैं क्या बोलते बालों को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं, जब बाकी पर्सन तैयार हो जाते हैं तो फिर चलते हैं जल्दी दर्शन करते हैं जाके। तो अभी फ़िलहाल हम लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, ये देखो, ये यहाँ से घूम के यहाँ से ऊपर लाइन लगेगी तब जाके कहीं दर्शन होंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम एक घंटा लग जाएगा दर्शन होने को। तो अभी देखो कब तक दर्शन होते हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल दर्शन कर लिए हर जगह, यहाँ पे भी ये इसको यहाँ पे भी धूपधाप लगा दिया। अभी भैरव देवी के मंदिर में चले हैं तो वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और फिर बैग बुक लेंगे और नीचे को निकलेंगे। बताता हूँ भैरव मंदिर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो मंदिर है ये शुक्राचार्य जी का मंदिर है। तो इनको शिवजी भगवान जी ने वो दिया था, वरदान दिया था कि क्योंकि ये भूतों के वो थे, क्या बोलते हैं, जो शिक्षा देते थे वो थे भूतों के ये। तो इनको शिवजी भगवान जी ने वरदान दिया था कि आपको शुक्रवार के नाम से पूजा जाएगा। तो ये हैं हमारे शुक्राचार्य जी। ये देखिए ये हमारे शुक्राचार्य जी, ये बोले इनको शिवजी भगवान जी ने वरदान दिया था शुक्रवार का। तो अभी हम सीधा भैरव देवी भैरव मंदिर चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये गया भैरव मंदिर को रास्ता, ये कम से कम 2 या 3 किलोमीटर है, सीधी चढ़ाई है यहाँ से। तो अभी ये चढ़ाई चढ़नी है और वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और फिर रूम पे कैंप पे जाते हैं और सामान थोड़ा सा, अगर फ़ोन को चार्जिंग लगाने की ज़रूरत पड़ी तो 5 मिनट लगाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे सीधा नीचे को। ये देख सकते हैं ये सारा काम चला हुआ है इधर। तो ये रहा हमारा भैरव मंदिर, यहाँ पे अभी हमने माथा टेक लिया, अभी नीचे चल पड़े हैं, सामान उठाते हैं और निकलते हैं नीचे को। अभी सीधा नीचे जाके मिलते हैं कैंप से आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी कैंप में पहुँच चुका हूँ और इस व्लॉग को अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप ये व्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना। और अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अभी नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करना है तो उसमें मिलेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करें, आपको लिंक आ जाएगा यहाँ वहाँ कहीं स्क्रीन पे लिखा हुआ, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल एंड टेक केयर।